ये डीजल इंजन है, माइलेज आपका ये भी 20-22 का देगा। पक्का? पक्का, भाड़ा में बहुत डिमांड है ये गाड़ी का। तो भाई भाड़ा वगैरह में चलाना है तो 2010 2014 लास्ट। तो भैया तो डाउन पेमेंट भी बहुत कम देना होगा इसमें, 50,000 आसपास, 40 से 50,000। भाई 40 से 50,000 दीजिए, गाड़ी लेके जाइए। और दोनों सेम बजट पे होने वाली है क्या भैया? ये आपका थोड़ा कम होने वाला है, ये डीजल है, डीजल है, माइलेज 20-22 का देगा आपको। टाउन में भी 18 का तो हम चलाएं इसको, 18 प्लस ही देता है। तो भाई आप जैसे चलाते हैं इसका 1,95,000। 1,95,000। ब्रेजा है, ओहो ब्रेजा मारुति का सबसे ये होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग गाड़ी बोल सकते हैं और ऊंचा गाड़ी, ऊंचा गाड़ी है, कोई दिक्कत भी नहीं होगा, नंबर भी देगा। बहुत सारा रिक्वायरमेंट आता है, बहुत सारे भाइयों का कमेंट आता है भर भर के इस डीलरशिप की। अगर भाई डीलरशिप की बात की जाए ना, तो अभी हम लोग हैं राज मोटर में। राज मोटर में भाई गाड़ी छोटी फैमिली है भाई, तो छोटी फैमिली के लिए भी हम लोग हमेशा सोचते हैं, तो उन सभी भाइयों के लिए भी आप देखिए फैमिली वाली गाड़ी भी आप ले सकते हैं। और आज जो बजट होगी ना भाई, बहुत जेन्युइन बजट में आप लोग को गाड़ी मिलने वाली है। तो मतलब कोई भी गाड़ी चाहिए, या तो आप कमर्शियल चलाते हैं उसके लिए भी गाड़ी लेकर आ गए हैं, पर्सनल चलाते हैं उसके लिए भी लेकर आ गए हैं। होंगे भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा, हम लोग इसी तरह के वीडियो हमेशा आप लोग के लिए लाते रहते हैं। और मिलते हैं अमन जी से, जो जानते हैं क्या कुछ डिटेल्स होने वाला होगा वो सभी चीज़। ये लेट नहीं करते हुए हम लोग मिलेंगे अमन जी से। क्या हाल है भैया? सब बढ़िया। पक्का? पक्का सब बढ़िया। तो भैया आज क्या डील लेकर आ गए हैं? भाइयों का काफी ज्यादा वेट होता है क्योंकि हम लोग मंथली एक वीडियो लाते हैं। बिल्कुल, और जो लाते हैं तगड़ा लाते हैं। तो भैया आज जो हम लोग वीडियो दिखाने वाले हैं भाइयों को, कलेक्शन दिखाने वाले हैं, थोड़ा होगा धमाका भैया? पूरा धमाका होगा। पक्का? पूरा धमाका होगा। सही में अब छोटी फैमिली में जो रिक्वायरमेंट होती है, जो हर घर में चाहिए होता है एक जेन्युइन सा गाड़ी, वो हम लोग लेकर आ गए। और उसमें भी ब्रेजा है। ओहो ब्रेजा मारुति का सबसे ये होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग गाड़ी बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग गाड़ी और ऊंचा गाड़ी, ऊंचा गाड़ी है, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। नंबर भी देखिए कहाँ नंबर, उनका नंबर है। हाँ हाँ, बाबा देवघर का नंबर है। बिल्कुल। तो भैया क्या डिटेल्स है इस गाड़ी की? ये फर्स्ट ओनर होने वाला है, 38,000 चला हुआ है। 38,000 फर्स्ट 2000 मॉडल सुनिए, 2019 का है। अरे बाप रे, 2019 मॉडल है भाई, 38,000-39,000 चला हुआ है। डेंट पेंट तो ओरिजिनल होगी भैया इसकी? सब पूरा गाड़ी ओरिजिनल ही है। तो भाई पूरा गाड़ी ओरिजिनल है। इसकी बैक प्रोफाइल भी देख लो, एक नंबर। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको कहीं से कोई खर्च है तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा। और भाई इसकी इंटीरियर देख लो भाई, भैया एयरबैग है, ये आपका ब्लूटूथ वाला सिस्टम है, इनबिल्ट कंपनी का है। हाँ? इंटीरियर आप देख लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। इंटीरियर देख लो भाई, एकदम फ्रेश कंडीशन है। ये है डीजल इंजन है, डीजल इंजन है, 22 का माइलेज देगा, 20-22 का माइलेज देता है। पक्का? ओहो हो, तो भाई माइलेज वगैरह किलोमीटर पे भी नोटिस कर लीजिए। आपकी गाड़ी है, चलाइए जैसे आप चलाते हो भैया। इस गाड़ी का हम लोग किलोमीटर दिखाते हैं, देखिए 38,265। आपका एयरबैग का कोई साइन नहीं है, इंजन चेक लाइट कोई साइन नहीं है, मतलब फुल ओके, फुल ओके। मतलब एसी वगैरह आप भी चेक कर लीजिए, आप चेक करके बता दीजिए। ओहो भाई एसी देख लो भाई, एकदम मस्त कूल आ रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं है, सब चीज मतलब ये ब्रेजा तो होता ही है वैसा गाड़ी। बिल्कुल। और भाई मारुति की सबसे टॉप सेलिंग कार है ये। बिल्कुल टॉप सेलिंग कार है, कोई दिक्कत भी नहीं है। और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस से लेकर सब चीज़ भैया बहुत बढ़िया है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होता है भाइयों को। भैया कितना देना पड़ेगा इसका? भी आपको 7,35,000। 7,35,000। तो भाई 7,35,000 दीजिए। सबसे प्लस पॉइंट, डीजल इंजन बंद कर दिया मारुति, और ये डीजल है, डीजल है, माइलेज 20-22 का देगा आपको। टाउन में भी 18 का तो हम चलाएं इसको, 18 प्लस ही देता है। तो भाई आप जैसे चलाते हो उस हिसाब से, आप अगर कलच छोड़ के चलते हो भाई तो बढ़िया आपको मिल जाएगा। और आप जो दिखा रहे हैं ये ब्यूटी भैया, रेड परी, रेड लाल परी भी बोलते हैं सबसे अच्छा। ओहो, ज्यादा चला हुआ गाड़ी नहीं है, सबसे प्लस। और सबसे पहले बात भैया नंबर एक बार, 50-55 धनबाद नंबर गाड़ी है। तो भैया स्विफ्ट है, डिटेल्स क्या होगी इसकी? ये 2018 लास्ट में निकला, एकदम 2018 लास्ट में निकला है, ठीक है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 29,000 ओरिजिनल चला है कंपनी रिकॉर्ड के साथ। ओके ठीक है। हाँ, ये टॉप है या फिर कौन सी है भैया? ये आपका ZXI है ना? हाँ।
तो भाई ZXi प्लस टॉप होती है या फिर ZXi टॉप होती है? ZXi प्लस आपका टॉप मॉडल हो जाता है। तो ये थोड़ा ZXi सा है बिल्कुल। इसमें आपको क्या दो चीज नहीं मिलते बताते हैं, इनबिल्ट कंपनी का टच सिस्टम, हाँ हाँ, और बस हेडलाइट पे प्रोजेक्टर, बस बाकी ये टॉप ही मॉडल है। टॉप ही मॉडल, बाकी डुअल एयर बैग मिलता है भाई, इंटीरियर देख लो कुछ इस तरह से, स्टीयरिंग में सब कंट्रोल है। अच्छा अच्छा, माउंटिंग कंट्रोल भी, माउंटिंग कंट्रोल भी है, सीट कवर वगैरह सब देख लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई खर्च ही नहीं है गाड़ी में। अगर खर्च होता है भैया, अगर कोई भाई आते हैं टेस्ट ड्राइव करते हैं, बोलते हैं भैया ये चीज खराब है या फिर ये चीज, तो हम लोग करा के देंगे। पक्का? पक्का करा के। सिक्योरिटी है ना भैया? सिक्योरिटी है बिल्कुल। तो कितना देना पड़ेगा भैया इस गाड़ी को लेने के लिए? ये आपको देना पड़ेगा भैया 5,55,000। 5,55,000 ठीक है, फाइनेंस भी हो जाएगी? फाइनेंस, मतलब आज जितना भी गाड़ी हम लोग दिखा रहे हैं सभी फाइनेंस हो जाएगी? सब फाइनेंस हो जाए, टोटल गाड़ी, मतलब ऐसा कोई गाड़ी नहीं है कि जो फाइनेंस नहीं हो पाएगा भाई। जितना भी गाड़ी देख रहे हैं सारी फाइनेंस हो जाएगी। और अब जो हम लोग दिखा रहे हैं भैया, ये फैमिली में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है दो गाड़ियाँ, ये दोनों ऑल्टो का कंपेरेटिव है बिल्कुल, ठीक है। हाँ हाँ, गाड़ी का नंबर प्राची नंबर है। ओहो, 2200 नंबर गाड़ी, 2200 नंबर है, ठीक है बिल्कुल। फर्स्ट ओनर गाड़ी है। हाँ हाँ ठीक है। गाड़ी ज्यादा चला हुआ नहीं है? ज्यादा नहीं चला हुआ, मतलब कितना चला हुआ? 35,000 चला हुआ मात्र। मात्र भाई 35,000 गाड़ी चली हुई है। गाड़ी देखिए कुछ इस तरह। इंश्योरेंस वगैरह है भैया इसमें? इसमें इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी किया हुआ है। अच्छा, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस किया है। डेंट पेंट भैया? ओरिजिनल पेंट में है। कोई खर्च भैया इसमें? कोई खर्च नहीं है। तो भाई कोई खर्च नहीं है, देखिए कुछ इस तरह है। इओन इरा है जो फैमिली वाले चाहते हैं, और दोनों इरा प्लस है ना, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली हो आपको। और भाई अब हम लोग इंटीरियर दिखाते हैं भैया। इंटीरियर तो बहुत लाजवाब है, बहुत सुंदर गाड़ी है, क्योंकि पर्सनल यूज हुआ है। ओके, ये सब गाड़ी भाड़ा में चलता भी नहीं, पर्सनल यूज हुआ है। पर्सनल गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, एसी है, पावर विंडो है, पावर स्टीयरिंग है, म्यूजिक सिस्टम बढ़िया काम करता है, ये हम आपको खुद बता रहे हैं, ठीक है। पक्का? क्यों ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसमें बास बहुत बढ़िया है। ये हमको कस्टमर से हम पूछेंगे जरूर कि कौन सा कंपनी का स्पीकर है। ओहो, इसमें तो बास बहुत अच्छा आता है बिल्कुल। तो भाई ये चीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कौन से कंपनी है जिसकी म्यूजिक सिस्टम भाई बहुत ही बढ़िया है। और बहुत बढ़िया कहने का मतलब कि आप एक बार आके चेक करिए, अगर आपको पता चल जाता है कि कौन सा कंपनी का, तो मेरे को जरूर बताइएगा बिल्कुल। तो भैया कितना देना पड़ेगा इस गाड़ी को लेने के लिए? इसको देना होगा भैया 2,10,000। 2,10,000 14 लास्ट। तो भैया ये तो डाउन पेमेंट भी बहुत कम देना होगा इसमें, 50,000 आसपास, 40 से 50,000। भाई 40 से 50,000 दीजिए, गाड़ी लेके जाइए। और दोनों सेम बजट पे होने वाली है क्या भैया? ये आपका थोड़ा कम होने वाला है, ये थोड़ा कम होने वाला है, क्योंकि ये 2014 स्टार्टिंग का है। स्टार्टिंग का है और वो लास्ट की है? लास्ट की है। ये धनबाद नंबर है, वो रांची नंबर है। तो भैया क्या डिटेल्स है इसकी? ये भी फर्स्ट ओनर है, ये आपका 35,000 चला हुआ है, ये 55,000 चला हुआ है। ओहो, मतलब अंदर का टोटल सिस्टम सेम है। सेम है टोटल सिस्टम, बाकी सारा कुछ सेम है। इंश्योरेंस वगैरह है भैया इसमें? इसमें इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस नहीं है ना? करवाना पड़ेगा जिसमें कस्टमर कराना पड़ेगा। है खुला है? बाकी देखिए भाई सेम चीज आपको मिलता है, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो जो भी चाहिए भाइयों को ले जाइए भैया। तो कम पड़ेगा, तो कितना कम पड़ेगी इसका? 1,95,000। 1,95,000। ओहो हो, 2014 स्टार्टिंग का है, वो लास्ट का है, मतलब इसमें से दोनों में से जिसको जो पसंद आए वो लेके जाए। तो भाई दोनों 2014 है, एक लास्ट की है, एक शुरुआत की, एक शुरुआत की है। तो जो पसंद है, दोनों ओरिजिनल कलर, दोनों ओरिजिनल पेंट में, ठीक है। एक रांची एक धनबाद, एक रांची एक धनबाद। ये तो ये भी 40-50,000 रुपए इसको भी देना होगा, लेके जा सकते हैं दोनों में वही बिल्कुल। और अब जो आ रहे हैं ये भैया स्विफ्ट डिजायर, ये भी भाड़ा का बहुत डिमांड है, मतलब वो हर गाड़ी हम लोग दिखाते हैं भाइयों को। अगर चाहे तो ये दोनों को भी ओला में चला सकते हैं। अरे गजब, देखा जाए तो बिल्कुल चला सकते। गाड़ी आज हम लोग भाड़ा में चलाने लायक वाला ही ला रहे हैं। भाड़ा में चलाइए और मस्त पैसा कमाए भैया। स्विफ्ट डिजायर है, रांची नंबर है, कहाँ क्या डिटेल्स है भैया इसके? ये रांची नंबर है, 2014 का है, VDI है, डीजल इंजन है। माइलेज आपका ये भी 20-22 का देगा। पक्का? पक्का, भाड़ा में बहुत डिमांड है ये गाड़ी का। तो भाई भाड़ा वगैरह में चलाना है तो बढ़िया गाड़ी लेकर आ गए हैं। किलोमीटर क्या चली है भैया इस गाड़ी का? ये आपका चला हुआ 65,000। 65,000? हाँ। तो भाई 65,000 चला हुआ है। गाड़ी की कंडीशन देख लीजिए कुछ इस तरह से है। AC, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो सब है। सब है, सब मतलब वो हर चीज है जो भाइयों को चाहिए। लेकिन इसमें एयर बैग नहीं है क्या भैया? इसमें एयर बैग नहीं आता है, एयर बैग आपका ZXi से आता है। ZXi से आता है, ठीक है। तो भैया गाड़ी वगैरह ZXi और ZDI में आता है। ZXi और ZDI, ठीक है भैया। क्या देना पड़ेगा भैया ले जाने के लिए? इसका भैया 4,45 है। 4,45,000। 4,45,000 स्विफ्ट डिजायर डीजल VDI, ठीक है भैया। अगली गाड़ी हमारे पास
जो फैमिली में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है भैया, वैगन आर, वो भी ऊंचा मॉडल है, 2017 लास्ट का है। ओके, फर्स्ट टर्न में गाड़ी है, GT नंबर है, 45,000 चला है। 45,000। अच्छा एक बात बताइए भैया, सारे गाड़ी 45, 55, 60, 65, 95 ही क्यों चला रहता है? वो तो नहीं बता पाएंगे। हाँ हाँ, जो कस्टमर से मिला। हाँ, अभी जस्ट आई है गाड़ी, जस्ट अभी आपके सामने ही आई है। बिल्कुल, चलिए। डेंट पेंट ओरिजिनल है भैया? तो भाई ओरिजिनल कलर में है गाड़ी की, आपको बताएगा। ओहो हो, कैसा इंटीरियर? एक नंबर है भैया, जबकि इसमें अभी कुछ पन्नी नहीं उतरा, मतलब जबकि अभी इसमें कुछ काम भी नहीं हुआ है, मतलब जैसा गाड़ी आया है वैसा हम लोग दिखा रहे हैं। अपडेट इसको बोलते हैं कि गाड़ी आ रहा है और निकल रहा है। बिल्कुल। तो भैया इंश्योरेंस वगैरह है क्या गाड़ी में? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, कैश लेते तो काम आ जाएगा, मतलब फाइनेंस में नहीं, फाइनेंस में कराना। बाकी ओरिजिनल कलर वगैरह होगा कोई तरह से गाड़ी में खर्च? भैया कोई खर्च आपके सामने तभी आया है? पक्का कोई खर्च नहीं होगा भाई, आप आराम से चलाइए, टेस्ट ड्राइव कीजिए, सारा कुछ कीजिए, उसके बाद लेके जाइए, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हैं भाई, ऐसा नहीं कि पैसा फ्री में आता है। बिल्कुल। तो भैया कितना देना पड़ेगा इस गाड़ी को लेने के लिए? 3.5 लाख। 3.5 लाख फाइनेंस भी हो जाएगी भैया? फाइनेंस, मतलब अच्छा खासा डाउन पेमेंट कीजिए। लगभग कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा भैया इस गाड़ी में? 60-70,000। ओहो, 60-90 लोन करवा देंगे। बिल्कुल ठीक। चलिए भैया अगला गाड़ी फिर से कौन सा देखने वाले हैं हम लोग? ये ऑल्टो 800 2015 लास्ट का, ये भी बहुत डिमांडेड है गाड़ी है, धनबाद नंबर होने वाले ये। हाँ हाँ, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। हाँ हाँ, 55,000 चला हुआ है। ओके ठीक है। हाँ हाँ, इसका प्राइस है आपका 2,20,000। 2,20,000 फाइनेंस हो जाएगी? फाइनेंस हो जाएगी, फाइनेंस हो जाएगी भाई। रेड कलर में कहीं टचअप वगैरह भी है या फिर ओरिजिनल? ओरिजिनल कहीं कहीं हल्का एक दो जगह तो मिलेगा। बिल्कुल, उसमें एलेक्स आई है, लीजिए पैसा लेके जाइए। एसी पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, तीनों वो सारा कुछ है। तो चलिए भाई अब हम लोग दिखा रहे हैं SUV 500 W8 मॉडल। W8 मॉडल, बिल्कुल। इसका जितना पिलर है सब में एयर बैग आता है। ओहो हो, मतलब सभी पिलर में? सभी पिलर में एयर बैग है। 6 पिलर है, 6 में एयर बैग। बिल्कुल, तो 6 एयर बैग के साथ है। तो चलिए भैया क्या डिटेल्स है इसकी? ये भैया 2013 लास्ट का है। ठीक है, 5,60,000 इसका प्राइस है। 560 क्रूज कंट्रोल वगैरह सब मिल जाता है, साइड कॉर्नरिंग लैंप भी मिल जाता है इसमें आपको, प्रोजेक्टर हेडलैम्प से। चला कितना है भैया ये गाड़ी? ये आपका 1,05,000 चला हुआ। 1,05,000 जो जेन्युइन है वो है, जेन्युइन है। बिल्कुल, तो भाई 1,05,000 चला है। ओनर सिर्फ फर्स्ट होगी? ये भी, ये सेकंड ओनर है। सेकंड ओनर है। तो भैया एक बार कीमत बताइए कितना देना पड़ेगा इस गाड़ी? ये इसको देना पड़ेगा 5,60,000। 560, तो भाई 560 दीजिए। W8 मॉडल SUV 500। और तो भैया गाड़ी तो हम लोग सारा कुछ दिखा दिए, अब जान लेते हैं भैया फाइनेंस वगैरह। फाइनेंस आपका सभी गाड़ी में हो जाएगी, जो भी गाड़ी दिखाएं। झारखंड के अलावा कहाँ कहाँ होगा भैया? झारखंड, बिहार, उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा। अच्छा, मतलब तीन जगह? ये तीन जगह आराम से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। लेकिन कस्टमर को जहाँ हम लोग झारखंड में स्पेशली 4-5 दिन में गाड़ी आपका छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन अगर बाहर का स्टेट है तो वहाँ उनको लगता है 2-3 दिन एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, 7-8 दिन भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ से फाइनेंसर वहाँ जाके आपका FI वगैरह करने में सारा कुछ टाइम लगता है। लेकिन हो जाएगा, जितना जगह बताया गया हो जाएगा। और एक चीज और बताइए भैया, जितना गाड़ी हम लोग दिखाएं कोई तरह से कोई गाड़ी में फॉल्ट वगैरह नहीं होगा ना, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा ना गाड़ी में? कोई गाड़ी में नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। हाँ पहले ही बोल दिए, सर्विसिंग नहीं हुआ है। आप लोग आए, अगर आपको सर्विसिंग का लीड लगता है तो हम लोग करा के देंगे, करा देंगे। और अपने पसंद के जगह पे आप कराए ताकि आप अच्छा कर देंगे पैसे, सर उसका पैसा लेस कर देंगे या फिर दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया करते हैं वीडियो को समाप्त। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अमन के ब्लॉग्स को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।